महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्लेम किया जा रहा है कि वो मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे यहाँ एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर लिखते हैं, अगर किसी को मराठी भाषा समझ नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि भगवा टोपी गमछा लगा लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, और दूसरा बिंदु बोल रहे हैं कि औरंगजेब हमारे देश के लिए शहीद हुआ था, धन्य हो शिवसेना प्रमुख जी। वायरल हो रही वीडियो के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले हमारी टीम ने सोर्स का पता लगाने की कोशिश की। हमने स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च किया और पाया कि ये पूरी वीडियो TV9 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है। इस वीडियो में 1:19 पे बीच का वो पार्ट देखा जा सकता है जो कि वायरल हो गया है। कौन होता तो सैनिक नाव माहिती आहे त्याचं? त्याचं नाव होता औरंगजेब, जो आपल्या देशासाठी शहीद झाला। काय म्हणायचं? चेचे तो आमचा नाही, मुसलमान होता, नाही तो माझ्या देशासाठी लढला। जो हा देश माझी मातृभूमी समजतो, माझ्या देशासाठी जो मरायला तयार आहे, तो धर्माने कोणी असला तरी तो आमचा आहे, हे आमचं हिंदुत्व आहे। पूरी वीडियो को सुनने के बाद पता लगाया जा सकता है कि ठाकरे मुगल बादशाह औरंगजेब की बात नहीं बल्कि जवान औरंगजेब के बारे में बात कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री के साथ थे और शोपिया के शादी मार्ग में 44 राष्ट्रीय राइफल कैंप में तैनात थे। आतंकियों ने जून 2018 में औरंगजेब का किडनैप करके उनको शहीद कर दिया था। औरंगजेब को शौर्य चक्र जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए डीफ्रैक के इस फैक्ट चेक से साबित होता है कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब मुगल बादशाह की तारीफ नहीं कर रहे थे बल्कि शहीद औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे। इसलिए सोशल मीडिया यूजर जो क्लेम कर रहे हैं वो मिसलीडिंग है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए डीफ्रैक।